राजा नाम का एक लड़का रहता था। उसने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ एक लड़की से प्यार करके शादी की थी। राजा बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन हमेशा मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता था। उसकी पत्नी का नाम कुसुम था। कुसुम एक बहुत ही अमीर घराने की लड़की थी। दोनों का गांव एक ही था, जिससे वो दोनों बार बार एक दूसरे से मिला करते थे। धीरे धीरे उनका परिचय प्यार में बदल गया था। तभी उन दोनों ने फैसला लिया कि चाहे उनके घर वाले मना ही क्यों न करे, लेकिन वो एक दूसरे से शादी करके ही रहेंगे। राजा का पिता एक किराने की दुकान संभाला करता था। उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसका बेटा इस तरह से किसी दूसरी गैर लड़की से शादी कर ले। लेकिन राजा और कुसुम दोनों एक मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। फिर ये बात पता चलने के बाद राजा के पिता ने उससे कहा कि वो दोबारा उसके घर में कभी ना आए। और इधर कुसुम के परिवार वाले भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिससे दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ से दूसरे गांव चले जाते हैं। राजा अपनी पत्नी कुसुम से बहुत ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि कुसुम एक बहुत बड़े घराने की लड़की थी। लेकिन फिर भी सारे सुख चैन उसने सिर्फ राजा के प्यार के लिए छोड़ दिया था। इस बात से राजा अपनी पत्नी से प्यार के साथ साथ उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करता था, और हमेशा यही सोचता रहता था कि उसकी पत्नी को कभी किसी चीज की कमी न हो। कुसुम, तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा ना, क्योंकि हम अपना गांव छोड़कर जा रहे हैं और पता नहीं वापस कब लौट कर आएंगे। और तो और, मेरी वजह से तुमने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। मुझे इस बात का बहुत दुख है कुसुम। अरे राजा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे साथ हो ना, बस मुझे इसी बात की खुशी है। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, जहाँ तुम वहाँ मैं। हाँ, और ये बात भी सच है ना कि जब तक लड़कियाँ ब्याहती नहीं है, तब तक माता पिता के पास रहती है। जैसे ही उनकी शादी होती है, वो अपने ससुराल ही तो जाती है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के। लेकिन हाँ, एक बात की तो कमी रहेगी कि मैं अपने माता पिता के पास किसी शादी ब्याह, त्योहार, पूजा वगैरह में तो शामिल नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी राजा, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो ना, मैं इसी में खुश हूँ। इतना प्यार करने वाला पति जो है मेरे पास। मैं तो बस हमेशा एक ही बारे में सोचता रहता हूँ कुसुम, कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन उसी वक्त मेरे मन में ये ख्याल आने लगता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रख पाऊंगा कि भी नहीं। इस बात से ही मैं घबरा जाता हूँ कुसुम। अरे राजा, डरने की क्या बात है? हाँ, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या हमारे लिए इतना काफी नहीं है? हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश है ना राजा, अब इसमें डरने की या फिर घबराने की कौन सी बात है? इसी को तो सच्चा प्यार कहते हैं ना। बस अब तुम कुछ मत सोचो, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब एक अनजान गांव में वो क्या काम करेगा और उसकी पत्नी का वो कैसे ख्याल रखेगा। उसको पता चला कि उसका एक दोस्त है जो कि पास के ही गांव में रहता था। ये बात पता चलने के बाद वो वहां पहुंच जाता है। लेकिन उसके दोस्त के गांव पहुंचने के बाद राजा को ये बात पता चलती है कि अब तो उसका दोस्त वहां नहीं रहता है, कुछ समय पहले ही वो वहां से चला गया था। लोगों से जानकारी करने के बाद उसको ये बात पता चली कि किसी को नहीं पता कि अब उसका दोस्त किस गांव में रहता है। ये सब होने के बाद राजा बहुत घबरा जाता है और फिर एक किराने की दुकान के पास काम मांगने के लिए चला जाता है। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं सारे लोग मुंह उठा के। इन लोगों को मेरी ही दुकान मिलती है मेरा धंधा खराब करने को। सर, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं हमारे गांव से कुछ ही दिन पहले आया हूँ और मेरी नई नई शादी भी हुई है। सर जी, मुझे ये किराना दुकान संभालने की बहुत पुरानी आदत है, मैं काम अच्छे से कर पाऊंगा। और बताओ साहब, बस इतना ही सामान चाहिए कि और कुछ चाहिए? अरे भैया, यही सामान मांगे थे मैंने। जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाने के लिए टाइम भी हो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। देखो, ये हो गए दाल के 150 रुपये और ये शक्कर के 40 रुपये। ये जो सूजी है इसके हो गए 60 रुपये और ये जो काजू है इसका हो गया 250। और ये मिर्ची जो है 40 रुपये और आलू के हो गए 60 रुपये। तो कुल मिला के हो गए आपके सर 600 रुपये।
अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो, सारा हिसाब बस एक झटके में ही बना दिया। अरे वाह, क्या लड़का है। सुनो भैया, इस लड़के को अपनी दुकान में काम में रख लो, बहुत ही समझदार लगता है। चार लोग तुम्हारी दुकान पे आ जाते हैं तो तुम एक आदमी को अपना सामान देने के लिए पूरे 10 मिनट लगा देते हो। सारे लोग तुम्हारी दुकान से घबरा जाते हैं कि तुम सामान जल्दी नहीं देते हो, इसी कारण ज्यादा लोग तुम्हारे दुकान के पास खड़े नहीं रहते, दूसरे दुकानों के पास चले जाते हैं। हाँ हाँ साहब, ठीक है, ये लीजिए आपका सामान, और संभल के जाइएगा। अरे लड़के, अब तुम क्या चाहते हो, मुझसे काम है ना? ठीक है, मैं तुमको अपनी दुकान में काम तो दे दूंगा, और हाँ, 1 महीने की तनख्वाह पूरे 5,000 मिलेंगे। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 तक तुम्हें काम करना पड़ेगा। और हाँ, एक बात का तुम हमेशा ख्याल रखना कि अगर 1 पैसे का भी दुकान में इधर उधर गड़बड़ी हुई ना, तो तुम्हारी तनख्वाह काटने के साथ साथ मैं तुम्हें अपने काम से भी निकाल दूंगा। इस बात का तुम हमेशा ख्याल रखना, समझे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, मैं तो कल से ही काम में आ जाऊंगा। और हाँ, ये जो नारियल के लड्डू है, मैं इनमें से 4 ले लूंगा। और हाँ सर जी, मेरी पहली तनख्वाह से इनके पैसे आप काट लेना। इस तरह राजा उन नारियल के लड्डू को लेकर मंदिर के पास खड़ी इंतजार कर रही अपनी पत्नी कुसुम के पास पहुंच जाता है। ये लो कुसुम, तुम्हारे पसंदीदा लड्डू मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और एक अच्छी बात बोलूं, मुझे ना नौकरी मिल गई है, अब हम अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, चलो। दोनों पति पत्नी ने सोचा था कि जब तक उनके रहने का कहीं इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक के लिए वो अपना सर ऐसे ही मंदिर में छिपा लेंगे और वहीं रह जाएंगे। कम किराए में छोटा सा कमरा या फिर कोई छोटी सी जगह उनको मिल जाए, इसकी कोशिश उन्होंने बहुत की थी, लेकिन फिर भी उनको ऐसी जगह कहीं नहीं मिली थी। फिर उस मंदिर के पंडित ने भी ये कहा था कि ज्यादा दिन तक ऐसे मंदिर में रहना ठीक नहीं है। उसने कहा था कि जल्द से जल्द वो लोग अपने रहने की जगह कहीं और बना ले। ये बात सुनने के बाद राजा ने बहुत ढूंढा था, तब जाकर उसको एक खाली जगह नजर आती है। राजा ने सोचा कि वो दोनों अब वहीं रहेंगे। उसने सोचा कि एक छोटी सी झोपड़ी बना लेगा, फिर जो कुछ भी उसको चाहिए थे, जैसे कि लकड़ियाँ, छत वगैरह, वो ऐसे ही करता है जैसे उसने सोचा था। अपने लिए घर बनाने के काम में लगा ही था कि इतने में वहाँ गांव के कुछ लोग पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि ये जगह तो हमारी है, इस जगह में हमारी इजाजत के बगैर कौन सा घर बनाएगा और कैसे बनाएगा, ये कहते हुए चिल्लाने लगे। ये बात सुनकर राजा ने कहा था कि हम कहीं और अपना घर बना लेंगे। ये बात सुनकर उन लोगों में से एक ने कहा कि ये सारी जगह उनकी है, और अगर बिना इजाजत के किसी की भी जगह में घर बनाएंगे तो उनके साथ यही कुछ होगा। ये सारी बातें कहकर डरा धमका कर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। अब बहुत ही परेशान हुआ राजा सोचने लगा कि वो आगे क्या करे। अब तो मुझे लगने लगा है कि मुझसे शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है कुसुम। अरे प्लीज राजा, ऐसी बातें कहकर मेरा दिल ना दुखाओ। तो क्या करूँ कुसुम, तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। तुम्हारा दिल भी तो तुमने मुझे दे दिया है ना, मुझे और क्या चाहिए राजा। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, चाहे ये पेड़ के नीचे ही क्यों ना हो, इसके साया में भी मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी, मेरे लिए तुम जरूरी हो, समझ रहे हो ना। कुसुम का इस तरह से राजा पर विश्वास देखकर राजा को बहुत अच्छा लगता था, और कुसुम हमेशा अपनी पति की पूरी सहायता करती थी, हर बात और हर काम में उसकी पूरी मदद करती रहती थी। राजा को अब एक ख्याल आने लगा, फिर वो सारे लोगों के घर जाने लगा और हर एक से ये बात पूछने लगा कि वो जो बड़ा सा पेड़ है वो किसका है। सारे लोगों ने कहा कि वो पेड़ तो हमारा नहीं है। फिर राजा ने अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सा ट्री हाउस उसी पेड़ पर बना लेता है। गांव के बहुत सारे लोगों को ये बात पता चली थी कि राजा ने कुछ कमाल ही कर दिया है, उसने पेड़ पर अपने लिए घर बनाया है। ये बात सुनने के बाद भी लोगों ने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो पेड़ तो उनका नहीं था। राजा का बनाया घर देखकर सारे लोग बहुत चौंक जाते हैं और किसी में ये बात करने की हिम्मत नहीं होती है कि उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहे। इस तरह
वो लोग दोनों पति पत्नी मिलकर खुशी खुशी अपने नए और बहुत ही खास घर में रहकर जीने लगे। इस तरह उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई थी।